जय माता दी। मेरे सभी भाई बहनों को अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का स्वागत है और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से सुबह सुबह से ही शुरू हो रहा है और उठे हुए हमें हो गए हैं करीब आधे घंटे, तो 6 ही बज रहे होंगे। और यहाँ पे हम उठते ही सबसे पहले आ गए हैं गोबर उठाने के लिए, उसके बाद लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि जब गोबर ना उठाओ ना तो ये चारों तरफ, और सुबह उठते इन सबको चारा मतलब देते हैं माही के पापा, तो इन सबको आदत है मुझे देख लेते हैं या फिर माही के पापा को देख लेती हैं, तो चारों तरफ ये लोग नाचना शुरू कर देती हैं और पूरे गोबर को ये लोग पैरों से काट के मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर डाती हैं, तो फिर उठाते नहीं बनता है, दिक्कत होती है। एक एक बिनते रहो, थोड़ा थोड़ा उठाते रहो, तो इसलिए सबसे पहले गोबर को ही आज हम उठा लेते हैं, हटा देते हैं। आज क्या, ये तो हमारा डेली का, ये सारे काम हमारे डेली का रूटीन है। तो आप सब तो कई बार वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया भी है कि ये सब हमारा डेली का रूटीन है और गाँव का यही रहन सहन है हमारा। और गांव में सारे लोग, सुबह आप उठोगे ना तो चारों तरफ का नज़ारा आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो जो भाई बहन हमारे नए हैं या जो गांव से नहीं हैं, जो गांव कभी नहीं आए गए हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशन है गांव से, आना जाना लगा रहता है, तो उन सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो वो लोग हमारी वीडियो के ज़रिए आप लोग देखिए और इन तो सबका भरपेट हुआ है दोस्तों, तो अभी नहाए नहीं हैं। हमने सोचा नहाने से पहले जितना भी ऊपर नीचे बाहर घर का जितना भी काम है, जितनी इतनी जिम्मेदारियां हैं दोस्तों,
इतने काम है कि पूछिए, मतलब थकान सी लग जाती है, कोई काम करने का हिम्मत नहीं पड़ता। वीडियो बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं और वीडियो का जो काम है वो भी करना मुश्किल है, और वहाँ से आने के बाद और थकान लग रही है। कहीं है चले आओ, कहीं आओ जाओ तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और थकान भी हो जाती है, यानी हम लोगों के लिए जो दुगना काम बढ़ जाता है। और कहीं आने जाने से पहले इसलिए बहुत ज़्यादा गांव के लोगों को सोचना पड़ता है। रोज़ रोज़ अगर कहीं आना जाना हो तो पूछ लीजिए कि हम लोगों की तो हालत ही ख़राब हो जाए। और मतलब कहीं भी जाओ तो घर के काम उतने बढ़ जाते हैं और उतने काम हमारे बाहर के जो छूट, मतलब हमारी गैर मजबूत में जब हम घर में नहीं रहते हैं तो वो जो हमारा काम पड़ा रहता है उसे भी करना पड़ता है। और करीब 9 बजे का टाइम हो गया होगा, क्योंकि लेट तो हो ही रहा है सब कुछ। और कुकर में हमने दाल भी रख दी है, सीटी भी आना शुरू हो गई है, और कान का जो हमने उतार दिया उसको पहना नहीं है, बस नहा के आई हूँ। मुँह में अभी हमने मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया, ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा। कल जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में जब कहीं जाने लगते हो तो सामान अक्सर खोते हैं, फिर आने के बाद ढूंढते रहो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी तो हम माही को दे के 10 रुपये वाला मॉइस्चराइजर मंगाएंगे और लगाएंगे। थोड़ा सा हमने सिंदूर लगाया है बस। और आज हम सोच रहे हैं बना लें सूजी का पापड़ थोड़ा सा, क्योंकि आज सिर्फ आज हमारे पास टाइम है, कल परसों से हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। खाना तो बन गया है दोस्तों, और खाना अभी हमने खाया नहीं है, सिर्फ बना के रख दिया है, बच्चों ने खाया है, और सिर्फ सब्जी और रोटी बनी है आज खाने में। और उसके बाद हमने आप सबको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, फिर जो हमारे भाई बहन हैं वो बोर हो जाते हैं और वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए हमने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं सूजी का पापड़। धूप बहुत अच्छी निकलने लग गई है, सुबह से ही धूप खिल जाती है, तो अभी पापड़ बनाने का जो मौसम है वो चल रहा है। दिन गाँव में सबके यहाँ पापड़ बनना शुरू हो गया है, शहरों में भी सब लोग बनाना शुरू कर दिए होंगे और सबको पापड़ की याद आने लग गई होगी, क्योंकि होली जो आने वाली है तो होली की तैयारी सभी के यहाँ पहले से महीनों से चलने लगती है। पापड़ वगैरह इकट्ठा करना, बना बना के सुखवा के रखना, तो ये सब लोग पहले से करना शुरू कर देते हैं, तो बस वही हम भी कर रहे हैं दोस्तों। चूल्हे में बहुत ज़्यादा धुआँ फैला हुआ है और मानसी चारपाई पर लेटी हुई थी पन्नी लगा करके, क्योंकि उसके आँख में धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये देखिए पानी हमारा जो है ना वो गर्म हो चुका था, कढ़ाई में हमने डाल दिया था, और ये है सूजी। तो सूजी हमने कटोरी से नाप के डाली है, और एक लोटा हमने पानी लिया था, जो हमारा लोटा है वो 1 लीटर। ये है करायल, ये है जीरा, ये है अजवाइन, ये है काला नमक, ये है काली मिर्च पाउडर, और ये है सादा नमक, ये है कलौंजी, और क्या बोलते हैं, अगर आप इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो सबको हम डाल देंगे एक साथ, और नमक हम थोड़ा सा कम ही लिए हैं, दोनों को मिला करके लिए हैं इसलिए कम, क्योंकि नमक बहुत कम चाहिए होता है पापड़ में इसलिए। तो इन सबको तुरंत ही मिला देना है, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा तो अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। और धनिया को भी हमने काट लिया है, तो इसे लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। पानी की ज़रूरत जब हमें पड़ेगी तभी हम डालेंगे, अभी तो इसे हम प्रॉपर चलाते रहेंगे। एक सिस्टर हमारी और हैं जिनका नाम है प्रेम सक्सेना, शायद वो अपने हस्बैंड की फ़ोन से हमारी वीडियो को देखती हैं, तभी उनका भी जो एनिवर्सरी है शादी का, तो जिन भाई बहनों का है शादी की एनिवर्सरी उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने पति के जो है वो फ़ोन से देखती हो तो आप अपना नाम भी बता देती तो अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए सूखने के बाद हमने इसमें लास्ट में डाल दिया है धनिया, तो पूरा हलवे की तरह इसको जो है बना लेना है, और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक रखना है इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह से देख सकते हैं आप सभी जैसे हमने रखा है। ज़्यादा अगर गीला बनाएंगे तो उसको बनाने का तरीका अलग है, और ये हमने इस तरह से बना लिया है हलवे की तरह, तो इसका जो तरीका है वो अलग है। और यहाँ पे ये हमने वाइट कलर का ये पॉलीथीन डाल दिया है, इसी पे हम पापड़ को फैलाएंगे। और ये पन्नी हमारे पास थी तो वही हमने डाल दिया है, वैसे तो इसे साड़ी, पुरानी साड़ियाँ हैं जाना, हम लोग हमेशा से पुरानी साड़ियों का ही यूज़ करते हैं पापड़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे माही है तो वो भी हमारी हेल्प करेगी, और खाना बना के हमने रख दिया है, खाया नहीं है,
काफ़ी टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो हमने सोचा चलो बना लेते हैं, फिर आने के बाद खाना खा लेंगे। और आज फर्स्ट टाइम है, पहले दिन हमने ये पापड़ बनाया है, तो थोड़ा सा हमने कम ही बनाया है क्योंकि बोर ना हो, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 12, 12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा बनाया है। और माँ बेटी मिल करके दोनों बना रहे हैं पापड़। माही जो है थोड़ा सा ये देखिए 2-3 पापड़ बनाती हुई करीब से दिखा दी है, तो डायरेक्ट हम पन्नी पे ही छाप दे रहे हैं, फिर बाद में बार बार उठा के छापना इस तरह में थोड़ा सा लेट हो जाता है, ऐसे में जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए हमने पॉलीथीन डाल दिया था। तो पॉलीथीन डाल के बस चपले से दबा दे रही हूँ, और माही से नहीं बन रहा है तो वो कह रही है मम्मी मुझे भी बनाना है, तो बस मैं बता रही हूँ उसको कि ऐसे करना है, तो वो दौड़ के गई है प्लेट लाने के लिए, तो जब तक मैंने ही दबा दी है, मैंने कहा चलो जब तक मैं दबा देती हूँ अब तुम प्लेट से दबा देना। तो बस मैंने 5-6 पापड़ बनाए, उसके बाद ये सारे माही ने ही बनाए हैं। और आ गए हैं हम घर में, तो दाल चावल खा लेंगे, सब्जी तो खाने का मन नहीं था। पापड़ भी हमने बना लिया है, और अभी 3:15 बजे का टाइम हो रहा है, हैंडपम्प से जा रहे हैं पानी लेने के लिए, अभी को देखिए पानी भर रहा है, तो हम पानी ले लेते हैं, कुछ काम रह गए हैं जिनको हम निपटा लेते हैं।